hello my dear students and welcome everyone to imawate academy my name is sunando debnath so in this video i will be starting with lecture number three for the chapter sound that we have already started we have done two lectures for this chapter already make sure that you have watched the previous two lectures before proceeding uh, with this one uh, the link of the playlist for the previous two lectures are given in the description box of this video

ठीक है सबसे पहले समझो कि वी आर गोइंग टू प्लॉट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दो तरह का ग्राफ्स है आगे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ठीक है अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्कस करें दो ग्राफ तुम्हें पढ़ना है ये ग्राफ, किसका ग्राफ? ये ग्राफ है साउंड वेव के प्रोपोगेशन का ग्राफ है साउंड वेव जब प्रोपोगेट करता है साउंड वेव जब आगे बढ़ता है प्रोपोगेट करता है तो उसका ग्राफ है तुम बोलोगे सर साउंड वेव का जो प्रोपोगेशन है वो तो इस तरह से होता है कहीं पे कंप्रेशन कहीं पे रेयर फैक्शन इस तरह से सीरीज ऑफ एंड रेयर बनता है राइट right? तो उसी को हमने इसी मूवमेंट को एयर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को हमने जब डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस पे प्लॉट किया तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ वन पार्टिकल विच इज ऑक्सीटिंग एंड फ्रो जब एयर मॉलिक्यूल ऑक्सीलेट कर रहा है आगे पीछे फिर नेबरिंग एयर मॉलिक्यूल को उसने अपना एनर्जी

इन एक्स एक्सिस एंड टाइम इन वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा लेकिन कैसे तुम सोचो कैसे सर ऐसे कैसे क्रेस्ट एंड ट्रो मिल जाएगा ये तो क्रेस्ट एंड ट्रो है और क्रेस्ट एंड ट्रो तो सर तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकते हैं क्रेस्ट एंड ट्रो तो सर ट्रांसवर्स वेव में होता है तो साउंड तो इन एयर लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड तो इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है और आगे बढ़ रहा है

फिर वो पीछे आएगा यहाँ पे मीन पर फिर वो दूसरे अपने एक्सट्रीम पर जाएगा दूसरे साइड वाले एक्सट्रीम पर, ठीक आगे पीछे, आगे पीछे. है? खुद इतना क्यों आ रहा है हमारा ये देखो हमने यहां पर वाई एक्सिस तो पे हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को प्लॉट किया किसको प्लॉट किया

या, या पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम द मीन पोजीशन मीन पोजीशन से हम हमेशा मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, तब है और फिर यहां पे गया, फिर एक्सट्रीम तो में जब पार्टिकल चला गया तो उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और हम जानते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड और ये पीछे की तरफ भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगा अब देखो दो एम्पलीट्यूड एक को हमने प्लस एम्पलीट्यूड से डिनोट किया को कि माइनस से प्लस माइनस सिर्फ ये डिनोट करता है कि, बता रहा है कि वो राइट साइड डिस्प्लेसमेंट किया ये जो डिस्टेंस है, है ना एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन मीन पोजिशन के आइदर साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो गया एम्पलीट्यूड माइनस प्लस 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 क्यों दिया मैं फिर से बोल रहा हूं. ये, रहा रहा सिर्फ डायरेक्शन बता बता है है कि वो राइट right साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया माइनस बता रहा है रहा है है कि लेफ्ट साइड में मूव कर इट नथिंग तो अब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं टीजल टू जीरो जब हमने उसको किया टी इज इक्वल टू जीरो पर वो अपने मीन पर, ही था पार्टिकल, अपने पर था। तो टी जब मतलब जीरो पे मान लो ये जीरो है टाइम ये वन सेकेंड है ये टू सेकेंड है ये थ्री सेकेंड है ये मान लो फोर सेकेंड है वाइज फाइव सेकेंड टाइम को इधर प्लॉट किया टाइम इन सेकंड और इधर डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली मीटर्स होगा सेंटीमीटर्स में होगा तो मान लो कि हम सेंटीमीटर्स ले रहे मान लो ये वन सेंटीमीटर है टू सेंटीमीटर है थ्री सेंटीमीटर है फोर सेंटीमीटर है इस तरह से और यहां पे सहूलियत के लिए ताकि हमें इजी हो हम यहाँ कोई वैल्यूज ले लेते हैं ठीक है मीन से मान लो ये डिस्टेंस सेंटीमीटर uh, है, है, है और जब एक्सट्रीम फोर सेंटीमीटर तब हम बोलेंगे ये माइनस वन सेंटीमीटर कवर किया फिर यहाँ तक अगर जब पार्टिकल पहुंच जाएगा तब ये माइनस टू सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन इसी तरह सेम पीछे भी वैसे ही होगा जब वो अपने मैक्सिमम प्लेस पे चला जाएगा मैक्सिमम

अब मान लो टाइम वन सेकेंड हुआ एक सेकेंड बीता एक सेकेंड बाद एक सेकेंड बाद हमने देखा कि जब टाइम वन हो गया हमने देखा पार्टिकल थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्प्लेस्ड हो गया यहां पहुंच गया मान लो जहां पे मैं रेड से दिखा रहा हूं यही सेम पार्टिकल अब यहां पहुंच गया एक सेकेंड बाद तो वन सेकेंड में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी किया वन सेंटीमीटर का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया है ना ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा वन सेकेंड है ये वन सेकेंड में और ये वन है वन सेंटीमीटर तो यहाँ पे पहुंच गया जरूरी नहीं है कि मैंने जो वैल्यूज दिया तुम्हें वही वैल्यूज देना तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो यहाँ टू थ्री फोर ऐसे जो भी है two, मतलब समझाने के लिए मैंने रैंडम वैल्यूज दिए तो वन सेंटीमीटर बाद मान लो वन वन सेकेंड बाद वो वन सेंटीमीटर कवर किया अब फिर से एक सेकेंड बाद देखा मतलब एट इक्वल्स टू फिर से नेक्स्ट वन सेकेंड हो गया मतलब टाइम अब टू सेकेंड है टू सेकेंड बाद मैंने देखा कि वो और ज्यादा डिस्प्लेस्ड हो गया पार्टिकल यहां पहुंच गया यहां पहुंच गया कवर किया थ्री सेकेंड बाद देखेंगे देखेंगे कि वो यहां पर पहुंच गया फोर सेकेंड बाद वो अपना यहां फोर सेकेंड बाद वो अपने एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंच गया ठीक so है yeah, यहां पहुंच गया दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन उसके बाद फिर फिफ्थ सेकेंड में सोचो

यहां पर वो एक्सट्रीम में पहुंच गया कब जब टाइम था फोर सेकेंड लेकिन पार्ट, यही पार्टिकल अब फिफ्थ सेकेंड में अब पीछे आ जाएगा अब यहां पे आ जाएगा तो अब उसे वापस आना है मीन तरफ अब ये पार्टिकल यहां पर है ये डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस कितना है मैंने बताया है थ्री सेकेंड तो थ्री सेंटीमीटर्स पीछे आ रहा है तो अभी ये थ्री सेंटीमीटर्स यानी फिफ्थ सेकेंड में अब देखो थ्री पर हमने इसको किया थ्री सेकेंड थ्री सेंटीमीटर से सिक्स सेकेंड में फिर अगले सेकेंड में वो फिर और पीछे आ जाएगा यहां पर मतलब डिस्प्लेसमेंट अब टू सेंटीमीटर हो जाएगा तो सिक्स सेकेंड में यहां पर आ जाएगा टू सेंटीमीटर और सेवेंथ सेकेंड में वन सेंटीमीटर पर आ जाएगा Are you getting it? Seventh second में one centimeter पर आ जाएगा यहाँ पर और फिर eighth second में वो वापस कहाँ पे मीन पर आ जाएगा पीछे आते आते जो एट्थ सेकेंड हुआ वो, वो फिर मीन पर आ जाएगा मीन पर आ जाएगा मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका फिर से जीरो हो जाएगा मीन पर जब है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एट्थ में यहां पर, पर पार्टिकल मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो पर आ गया अब और भी हम आगे करें तो हमें पता चले फिर से नाइन्थ सेकेंड में पार्टिकल दूसरे साइड के एक्सट्रीम तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो नाइन्थ सेकेंड में एट सेकंड तक हमने प्लॉट कर लिया graph. Second में particle यहाँ पर होगा यही पार्टिकल याकेंड तो तो होगा तब वो माइनस वन सेंटीमीटर पर है यानी ये मान लो नाइन्थ सेकेंड है और ये माइनस वन सेंटीमीटर पॉइंट कहां पर आएगा? कुछ यहां पर Second में वो पार्टिकल यहां पे चला गया second में, अब हो गया यहां पर। उसी तरह से थ्री इस टाइम पर होगा इलेवेंथ सेकेंड में और ट्वेल्थ सेकेंड में यहां पर होगा होगा ना और थर्टीन सेकेंड में ट्वेल्थ सेकंड में पहुंच गया वो मीन के पास एक्सट्रीम के पास अब फिर थर्टीन सेकंड में वो वापस से मीन की तरफ आ रहा है फिर यहां पर फिर यहां पर इसी तरह से हम अलग अलग टाइम पे प्लॉट करेंगे पर फाइनली तो हमें कैसा वेव मिल रहा है ऐसा वेव मिल रहा है तो इसी तरह से हमें क्रेस्ट एंड ट्रो मिला साउंड वेव का डिसमेंट टाइमग्राफ इसीलिए ऐसा दिखाते हैं हम इसे देखकर कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये साउंड का एक्चुअल पार्टिकल का मूवमेंट है. है नहीं मतलब एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर रहा है उसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट डायोग्राफ मिला ये डिस्प्लेसमेंट डायोग्राफ डज नॉट शो मूवमेंट ऑफ द एयर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इज आगे एंड पीछे ओनली आगे पीछे आगे पीछे

है, ये है मैक्सिमम पीक का जो पीक का जो यू नो हाइट है, ये distance. ये distance है? है. इसी से. तो अब हम समझ गए टाइम ग्राफ ओके फॉर द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल नाउ अब हम ग्राफ को बनाते हैं अब तुम्हें लिखना कैसे एग्जाम में अगर आया तुम कैसे बनाओगे एक सिंपल सा लाइन बनाना वाई एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाना सुंदर सा यू डोंट हैव टू राइट एनी वैल्यूज समझाने के लिए मैंने वैल्यूज लिखा था तुम्हें? कोई वैल्यूज वगैरह नहीं लिखना है यहां पे लिखना डिस्प्लेसमेंट एक मिनट यहां पर डिस्प्लेसमेंट यहां लिखना टाइम हो गया और यहाँ पे सिंपल सा इस तरह से अच्छे से सुंदर लगना चाहिए बना देना यही है हो गया कैसे हमें ये मिला तुमने समझ लिया अभी मैंने बताया अच्छा मैंने ये भी बताया कि दिस पीक वैल्यू जो कि कांस्टेंट है दोनों में सेम ही होगा भले मेरा थोड़ा सा ये ज्यादा लग रहा है हालांकि वो मैंने फ्री हैंड बनाया इसलिए तुम्हारे पास रूल पेजेस होगा ना तो ये पीक वैल्यू सेम होना चाहिए चलो मैं इसको पहले मिटा के थोड़ा सा सुंदर ही कर देता हूं एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं पहले रेफरेंस लाइन ताकि मेरा ये वेव आगे पीछे ना भाग जाए इसी के बीच हम करेंगे चलो इसको मैं मिटा देता हूं हाँ तो दिस इज एम्पीट्यूड यू कैन ऑल्सो दिस इज एम्प्लीट्यूड यू कैन ऑलसो कॉल दिसूडो कॉल दिस any one is amplitude okay ignore the sign amplitude because all the distances are same acha ab peak to peak yani ye ek crest hai ये crest है तो दो consecutive crest के बीच का जो distance है वो तुम्हें time period देता है याद रखना time period देता है क्यों क्योंकि इधर तो हमने टाइम को ही प्लॉट किया एक्स-एक्सिस में टाइम को प्लॉट किया तो टाइम को प्लॉट किया और ये बता रहा है कि एक ऑक्सीलेशन यहां से अगर हम स्टार्ट करें फिर यहां पर एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा तो दैट इज टाइम पीरियड ओनली तो पीक टू पीक इज टेलिंग

तो वन ऑक्सीलेशन कैसे होगा एक्सट्रीम से वो जाएगा मीन में इस मीन से वो दूसरे एक्सट्रीम में एक्सट्रीम से मीन में, फिर मीन से वापस अपने तो ये, so ये भी देखो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करके रखा हुआ है पार्टिकल डिस्टेंस तो एक्सट्रीम से मीन दिस इज मीन जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट इधर मीन मीन पर जीरो होता है फिर मीन से ये दूसरा वाला एक्सट्रीम फिर एक्सट्रीम से ये मीन मीन फिर mean से ये वाला एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फिर हो गया तो यही तो ओपन एक्सप्लेन होता है यानी ये एक एक्सट्रीम है और फिर से ये वही वाला एक्सट्रीम है और नीचे ये जो एक्सट्रीम है ये नेगेटिव वाला दूसरे साइड वाला एक्सट्रीम तो यही ना है एक्सट्रीम से मीन एक्सट्रीम से मीन मीन से दूसरे वाला एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मीन और फिर मीन से वापस चांसेस एक्सट्रीम दिस इज वॉट वन ऑक्सीडेशन इज तो वी कैन ईजीली से दैट टू कंजिक्यूटिव टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है

यहां पे देखें तो वो भी टाइम पीरियड है डिस्टेंस है वो टाइम पीरियड है का यहाँ जो वैल्यू है, है मान लो यहाँ पर है थ्री सेकंड मान लो यहां पर है 8 seconds. मान लेते हैं कि ग्राफ में हमने प्लॉट किया कुछ ऐसा हमें मिला तो थ्री एट तो टाइम पीरियड कितना बोलेंगे इस वेव का एट माइनस थ्री फाइव सेकेंड्स फाइव सेकेंड इज द टाइम पीरियड तो ये जो वैल्यूज का डिफरेंस है वो हो गया टाइम पीरियड और कुछ नहीं है सिंपल सा चीज है यहाँ पे भी करेंगे तो सेम ही आएगा टाइम पीरियड जो भी वैल्यू यहां पर टाइम का होगा जो भी वैल्यू यहां पे टाइम का होगा उनको हम करेंगे दैट इज वैल्यू आएगा क्लियर है क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया दूसरे तरफ डिस्टेंस को टेंशन नहीं लेना है बड़ा इजी है यहां पे ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन को हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया एंड दूसरी तरफ हमने प्लॉट किया कि वो वेव कितना आगे बढ़ा यानी डिस्टेंस ट्रेवलड बाय द वेव एक तरफ हमने प्लॉट किया डिस्टेंस ट्रेवलड बाय द वेव जिसे हम x एक्सिस पे प्लॉट किया इधर हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को प्लॉट किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन उसे प्लॉट किया मतलब कि ये एयर मॉलिक्यूल है सुनो, सुनो इसको कैसे हमने प्लॉट किया ये आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट तो कर रहा है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, आगे, पीछे. तो ये हो गया ये जो यहां से वो अपने एक्सट्रीम की तरफ जाएगा ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कभी यहाँ पर है पार्टिकल कभी यहाँ पर है और फाइनली मीन अपने एक्सट्रीम पर जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है दूसरे साइड के एक्सट्रीम में भी जा रहा है तो ये वो हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल उस मूवमेंट को हमने प्लॉट किया वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगा है ना क्योंकि पार्टिकल जब अपने मीन पर है डिस्प्लेसमेंट करते करते अपने एक्सट्रीम पर जाएगा फिर वापस आएगा फिर अपने दूसरे वाले एक्सट्रीम पर जाएगा तो 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 एक एक को को हम A से की, को A से। तो दूसरे वाले के लिए वैल्यू हो हो गया A हो गया दूसरा पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन उसको हमने प्लॉट किया बाई एक्सिस पर ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजिशन तो यहां पर एक ए मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस है दो अलग अलग एक्सट्रीम है अच्छा डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस डिस्टेंस है ऑफ द वेव मतलब ये पार्टिकल ऑक्सीडेट ऑक्सीडेट करते उक्षिर्ट कर रहे है और अपने नेबरिंग वाले पार्टिकल को अपना एनर्जी ट्रांसमिट किया ये भी ऑक्सीडेट करना शुरू किया और ये फिर रुक जाएगा ये ऑक्सीडेट करना स्टार्ट कर दिया फिर ये कुछ देर बाद अपने नेबरिंग वाले को जब एनर्जी ट्रांसमिट कर दिया सेकेंड वाला रुक जाएगा थर्ड वाला ऑक्सीडेट करना स्टार्ट करेगा इस तरह से देखा जाए तो वेव प्रॉपगेट कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव मतलब कि ये अपना एनर्जी इसका एनर्जी दूसरे वाले को पहुंचा ये उसके उसमें पहुंचा तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये एनर्जी इसमें ट्रेवल हो गया ये एनर्जी इस पे ट्रेवल हो गया ये इसका एनर्जी नेक्स्ट वाले को गया तो इस तरह से ये क्या हो रहा है ये वेव ट्रेवल कर रहा है एनर्जी एक्चुअली एनर्जी ट्रैवल कर रहा है उसे हम बोलते हैं वेव ट्रैवल कर एनर्जी ट्रैवल हो रहा है एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल इसका एनर्जी तीसरे वाले को एनर्जी तो जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पार्टिकल वन मॉलिक्यूल उसे हमने यहां प्लॉट किया तो उसका एक्चुअल वैल्यूज लेके जब हम प्लॉट किए हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से तो हमें भी कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है सेम उसके भी वैल्यूज को जैसे इस तरह से पिछले वाला में मैंने बताया वैसे ही हमें ग्राफ मिलेगा ठीक है एकदम सेम यहां पे बिल्कुल वैसे ही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा ए अच्छा इसका अगर हम पीक टू पीक देखें ये टाइम पीरियड हो नहीं सकता क्योंकि हमने टाइम को तो यहाँ प्लॉट नहीं किया ये डिस्टेंस ऑफ द वेव है तो पीक टू पीक मतलब बता रहा है कि दिस इज वन ऑक्सीलेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन वेव या वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज वेवलेंथ यानी ये वेवलेंथ है इसका पीक टू पीक या क्रेस्ट टू क्रेस्ट कंजिक्यूटिव क्रेस्ट टू क्रेस्ट कंजिक्यूटिव पीक टू पीक या उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ याद रखना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेस टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में इन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कंजिक्यूटिव क्रेस्ट टू क्रेस्ट और कंजिक्यूटिव ट्रोह टू ट्रा का जो ये है वैल्यू है वो क्या होता है वो होता है टाइम पीरियड कैपिटलिटी टाइम पीरियड लेकिन डिस इंड डिसमेंट डिस्टेंस ग्राफ डिसप्लेसमेंट ये लिख लो इन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या होता है कंजिक्यूटिव क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रो टू ट्रो के बीच का जो वैल्यू है वो वेवलेंथ ऑफ वेव होता है ठीक है क्लियर है ये फैक्ट को याद रखेंगे इस पर हम क्वेश्चन करेंगे आज इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे किस तरह से इस फैक्ट को यूज करके हम क्वेश्चंस बना सकते हैं या क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है उसको लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ वे वेलोसिटी वे वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से

हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम किसी बच्चे से पूछे डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ वो बोलेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम कोई सभी को पता है क्लास फोर फाइव सिक्स फोर का बच्चा को नहीं पता होगा लेकिन सिक्स का बच्चे को तो डेफिनेटली पता है कि डिस्टेंस इज स्पीड इन टाइम है ना हम डिस्टेंस बोले तो वेवलेंथ को ले सकते हैं मतलब हम एक वेव का लेंथ निकाल रहे हैं यानी ये लिख सकते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या निकालना चाह रहे हैं तो वेवलेंथ इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ अ वेव इट इज डिस्टेंस ओनली डिस्टेंस ओनली डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है वेवलेंथ का भी मीटर होता है तो स्पीड बोले तो अगर वेवलेंथ निकाल रहे द लेंथ ऑफ वन वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ अ वेव स्पीड स्पीड मतलब वेव वेलोसिटी अच्छा इनटू अब लेंगे टाइम टाइम मतलब ये हम कौन किसका लेंथ निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ वन वेव द लेंथ ऑफ वन वेव तो हमें भी यहां पुट करना पड़ेगा द टाइम टेकन बाय वन वेव एंड द टाइम टेकन बाय वन वेव इज नोन एज टाइम पीरियड टाइम पीरियड बेसिकली ये पूरा इक्वेशन जो हमने लिखा वो कुछ नहीं है यही है डिस्टेंस की जगह हमने लिखा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वन वेव व्हिच इज वेवलेंथ

अब सिंबॉलिक में लिखो लैमडा इज इक्वल टू वेलोसिटी वी नीचे एफ अपॉन ये जो रिलेशन है इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आएगा अगर नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स तो तुम मुझे बताना मैं अपना नाम बदल दूंगा ये आएगा डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट श्योर तुम्हारे एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मुला इज गोइंग टू कम इसे हम लिख सकते वी इज इक्वल टू एफ लैमडा सेम ही है एफ को जस्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिया विज इक्वल टू एफ लैमटा यानी तुम्हें रखना है कि वेव प्रोडक्ट ऑफ वेव बस इतना सिंपल है चलो अब न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट सारे कुछ फॉर्मुलेस की फॉर्मुला कर लिया है अब हम न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं ओशन वेव्स ओशन वेव्स ऑफ टाइम पीरियड लिखना स्टार्ट करो देखो नहीं बस कोई फायदा नहीं होगा नहीं सिर्फ देखते हुए ऑफ टाइम पीरियड टेन सेकेंड हैव वेव वेलोसिटी फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड फाइंड नंबर वन The wavelength of these waves. Number two, the horizontal distance, the horizontal distance between a wave crest, between a wave crest. एंड इट्स एडजॉइनिंग बहुत क्वेश्चन है, है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है और यह कंसाइन्स फिजिक्स में है सोल्व एग्जाम्पल्स में ये क्वेश्चन बड़ा ही कंसेप्शुअल बहुत ही ईजी है दियान वेव ऑफ टाइम पीरियड टेन सेकेंड क्या क्या गिवेन है सबसे पहले लिखो टाइम पीरियड दिया है टेन सेकंड टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटलिटी

मीटर पर सेकेंड टाइम पीरियड दिया है है मीटर, मीटर का यूनिट होगा में, ना तो कट जाएगा वो सब टेंशन नहीं लेना है क्या यूनिट्स कट रहा है क्या नहीं तुम्हें अगर तुमने ऐसा यूनिट्स में तुमने किया है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ का भी ऐसा यूनिट ही आएगा 150 मीटर्स आंसर नंबर टू अब निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड इट्स एडजॉइनिंग मतलब किसका डिस्टेंस वेव क्रेस्ट अगर हमने ड्रॉ किया एक वेव का ये क्रेस्ट हो गया पीक और ये ट्रो हो गया ये क्रेस्ट ट्रो ये फिर दूसरा क्रेस्ट इसका ट्रो यहां पे क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस नहीं बोल रहा है टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस इज लैम्डा है ना मैंने अभी बताया था डिस्टेंस ऑफ क्रेस्ट टू क्रेस्ट इज लैम्डा लेकिन यहां पे बोल रहा है

क्रेस्ट एंड एडजॉइनिंग वेव ट्रो इज लैमडा बाई टू हाफ ऑफ वेवलेंथ सिमिलरली ट्रो एंड इट्स एडजॉइनिंग क्रेस्ट इनके बीच का भी डिस्टेंस लैमडा बाई टू होगा तो हमें निकालना है द डिस्टेंस बिट्वीन अस्ट एंड इट्स एडजॉइनिंग वेव ट्रो इज लैमडा बाई टू लैमडा तो हमने निकाल ही लिया है 150 उसका आधा कर देंगे 75 मीटर्स बड़ा इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दू क्लास टेंथ में जब अगले साल तुम लोग मूव करोगे मेरे साथ पूरा वन ईयर का कोर्स कर सकते हो वन ईयर का रेगुलर कोर्स कर सकते हो रेगुलर कोर्स कोर्स है पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का

वो मार्च के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा मार्च 2023 के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा एक डेडिकेटेड रूटीन है उससे हमारा पूरा साल भर के क्लासेस चलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो यूट्यूब में तुम्हें मिलेंगे मिलते हैं मिल रहे हो पढ़ रहे हो वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है ये जो कोर्स होगा ये पूरा लाइव कोर्स है रियल टाइम में कोर्स है मैं लाइव पढ़ाऊंगा हाँ हा, जरूर तुम्हें रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग्स ऑफ़ ऑल क्लासेस मिलेंगे वो अलग बात है सारे क्लासेस के ऐप पर, पर सारे फीचर्स है वहां पर एक रिसोर्सेस बटन होगा मैं सब बता दूंगा डिस्कस कर दूंगा जब हम यू नो विल कम टू क्लोज टू मार्च आई विल गिव यू ऑल इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू यू नो

वैसा नहीं है कि लाइव क्लासेस नहीं है सिर्फ रिकॉर्डिंग्स है नहीं लाइव क्लास है उसके है। एक डेडिकेटेड रूटीन से होगा यूट्यूब में जैसे कोई फिक्स रूटीन नहीं है मैं जब मर्जी तब अपलोड करता हूँ कई बार सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि फ्री फ्री जैसा ही होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग तो फ्री में जब जा रहे हो तो यूट्यूब के फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर रिलाई मत करना मैं खुद बोल रहा हूँ यूट्यूब के फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर रिलाई मत करना उससे कोई फायदा नहीं होगा

इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल होना नहीं करना चाहते हो मत करना ऑलराइट कोर्स right, का एनरोलमेंट फीस सीट को रिजर्व करने का फीस है सिर्फ वन हंड्रेड रुपीज पर सब्जेक्ट अभी से सीट अपना बुकिंग कर लो क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फिल्ड अप हो रहे हैं अगर पूरे भर जाएंगे तो फिर आगे एडमिशन नहीं ले पाओगे भले मार्च टू अभी थोड़ी दूरी पर है अभी हमारा नवम्बर चल रहा है ये सोचकर कि मार्च तो आने में देरी है बाद में करेंगे वैसे लेट करोगे तो हो सकता है सीट ना मिले अभी एनरोल कर लो वन हंड्रेड रुपीज पर सब्जेक्ट इज नथिंग बस अपना सीट को बुक करो फिर जरूरत जैसी हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसके एक वीक दो वीक पहले मैं तुम लोगों को पर्सनली जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे उस पर सारे इंफॉर्मेशन सेंड करूंगा बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होगा तो मुझे पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो सारे डिटेल्स इस वीडियो में दिया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको पहले देख लो सारा फीस डिटेल्स वगैरह समझ जाओगे और एनरोल कर लो आज ही चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अवेव पल्स ऑफ़ फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड हर्स On a string moves a distance eight meter in zero point zero five seconds. Calculate A the velocity of pulse. बी द वेवलेंट ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग वेव पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड हर्स क्या क्या दिया हुआ एक वेव पल्स है वेव पल्स मीन एक वेव ही है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है टू हंड्रेड हर्स हर्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी

v डिवाइडेड बाई f क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना इसलिए f तो वेवलेंथ इज इक्वल टू वन सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड ये भी मीटर पर सेकेंड में है ऐसा यूनिट में है, ये भी हर्स में इसलिए कोई भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं जीरो पॉइंट एट वेवलेंथ है मीटर में आ जाएगा सा सिंपल सा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते द स्पीड Of sound in air is three hundred thirty meter per second and in water panimeevska speed is one thousand six hundred fifty meter per second. It takes two seconds for sound. To reach a certain distance from the source placed in air, find the distance. ये पार्ट ए है फाइंड द डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस ये डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस जो लगा वो सोर्स को जो सोर्स एयर में रखा हुआ है उस सोर्स को पहुंचने में उस सर्टेन डिस्टेंस पर फाइंड द डिस्टेंस बी पार्ट बी बोल रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर साउंड टू रीच द सेम डिस्टेंस पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे फिर पता चलेगा पता करना है कि कितना टाइम लगेगा वो वॉटर में ट्रेवल करने में उसी डिस्टेंस को फाइंड द डिस्ट हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द साउंड टू रीच द सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस वेन द सोर्स इज इन वॉटर बहुत इजी सा क्वेश्चन है सोर्स इज इन वॉटर देखो दो सिचुएशन में क्वेश्चन हमें पूछा है एक है जब सोर्स एयर में है

साउंड वेव पहुंचने में मान लो ये साउंड वेव यहां पहुंच गया पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ पॉइंट बी पहुंच गया इस स्पीड से गया तो उसे टू लगा तो हमें अगर टाइम पता है स्पीड पता है तो हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं the distance. The distance air, निकाल लेते हैं इन एयर में डिस्टेंस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम क्या है किसी को सबको पता है स्पीड तो स्पीड कौन सा स्पीड स्पीड ऑफ साउंड

वॉटर में यही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ सिक्स सिक्सटी यही सेम डिस्टेंस क्वेश्चन ने बोला है लेकिन टाइम डिफरेंट होगा क्योंकि स्पीड अलग है इस बार बहुत फास्ट स्पीड से जा रहा है 1650 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर तो बहुत फास्ट स्पीड से जा रहा है इसका मतलब है कि कम टाइम लगेगा लेट फाइंड आउट बी में बोल रहे टाइम टेकन फॉर द साउंड ट्रेवल इन वॉटर टाइम का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना तो डिस्टेंस हमारा वही है सिक्स सिक्सटी मीटर्स स्पीड है वन सिक्स फाइव जीरो मीटर पर सेकेंड इतना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करोगे मात्र जीरो पॉइंट फोर सेकेंड्स सॉल्व करने पर देखो एयर में लगा था टू सेकेंड्स और पानी में कितना फास्ट ओनली जीरो पॉइंट फोर सेकेंड ओके तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखो ये क्वेश्चन अभी पता चलेगा अ सोर्स असोर्स क्रेस्ट एंड ट्रो क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा था अस ऑफ वेव अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस फोर्टी क्रेस्ट एंड फोर्टी ट्रोव In जीरो पॉइंट फोर सेकेंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है पहले तो इसको मीनिंग समझो एक वेव है वो वेव फोर्टी क्रेस्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है फोर्टी ट्रोस प्रोड्यूस कर रहा है एक सोर्स है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है एक सोर्स है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है कितने वेव प्रोड्यूस किया पहले तो वो हमें पता चल, करना चाहिए कितना वेव प्रोड्यूस हुआ हुआ वो डायरेक्टली नहीं लिखा है कि यू नो वेव्स लेकिन कितने वेव्स बने अब एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर लो कि अगर मैं एक क्रेस्ट बनाया और एक ट्रो बनाया दिस इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो सो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो इज हाउ मेनी वेव्स इज इट टू वेव्स और इज इट वन वेव सो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो मेक्स वन वेव दिस एंटायर थिंग इज वन ऑक्सीलेशन है ना मीन टू एक्सट्रीम फिर इस एक्सट्रीम से ये मीन मीन टू एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मीन So, ऐसे मैंने जब दिखाया वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो दिसलेन विच इज वन वेव मीन टू एक्सट्रीम एक्सट्रीम टू मीन मीन टू दिसर एक्सट्रीम एक्सट्रीम टू मीन दिस इज दिस हो गया, wave, हो गया तो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो इज वन वेव दैट मीनस इज फोर्टी नॉट फोर्टी प्लस फोर्टी एवस

तो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है या फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड देखो बहुत इजी है तो जीरो पॉइंट फोर सेकेंड्स में इतने वेव्स वन सेकेंड में कितने वेव्स है ना <laughs> कितना इजी है जीरो पॉइंट फोर में फोर्टी वेव्स

हंड्रेड हर्स आंसर हंड्रेड हर्स सिंपल है वेरी सिंपल हंड्रेड हर्स इज द आंसर वेरी सिंपल कुछ नहीं है समझना सिर्फ था कि वेव्स कितने थे यहाँ पर आज हम लोग यहीं तक करते हैं आज का लेक्चर थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू पढ़ाई करते रहिए मजे करते रहिए